बारिश से पहले नगर निगम द्वारा शहर की जर्जर इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते नगर निगम का अमला राजमहला क्षेत्र की खतरनाक भवनों को तोड़ने पहुंचा। इंदौर नगर निगम द्वारा बारिश से पहले शहर में स्थित कमजोर और खतरनाक इमारतों को हटाने का काम किया जा रहा है। इसी के चलते निगम का अमला आज जोन क्रमांक 2 राजमहला क्षेत्र में चिन्हित 6 मकानों को तोड़ने पहुंचा। निगम ने करीब 44 मकान चिन्हित किए हैं जिन्हें बारिश से पूर्व हटाया जाना है। आज नगर नियम के जोन क्रमांक 2 राजमहला क्षेत्र के अंतर्गत सिलावटपुरा में खतरनाक भवन तोड़ने कार्रवाई की जा रही है। आज 6 मकानों पर कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है। ये मकान अत्यंत जर्जर मेन रोड पर स्थित है जो कि गारे मिट्टी के बने हुए हैं और आज जो रिमोल लगाया गया है लगभग 6 मकानों पर लगाया जाएगा। हमारे द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जितने खतरनाक भवन है जहाँ दुर्घटना की आशंका है उनको हटाने की कार्रवाई की जाए, तो एक मुहिम चल रही है। बरसात के पूर्व जो खतरनाक दुर्घटना की आशंका वाले मकान है, अति खतरनाक, उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर क्या है कि कुछ किराएदार हैं, मकान मालिक भी है, तो इनका विवाद चल रहा था और इनका आपस में विवाद रहता है कि ये मत हटाओ, वो हटा दो, ये वो, फिर भी इन सबको समझाइश दे के और जो खतरनाक भाग है वो हटाया जा रहा है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कई बार निगम कर्मियों को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बाद में मकान मालिकों के सहयोग से मकान हटाने में सहयोग मिला। कुल मिलाकर आम लोगों की सुरक्षा और सरवटे होटल हादसे को देखते हुए बारिश से पहले निगम शहर की जर्जर इमारतों को तोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।